हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आज आपको आश्चर्य हो रहा होगा ब्लॉग की शुरुआत देख के। आज ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रहा हूँ। हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो ये जो वीडियो है ये गणगौर वाले दिन का है, तो मैं यहाँ पे लगा रही हूँ महावर अपने पैरों में, और मम्मी के लगा चुकी थी और मम्मी कर रही है यहाँ पे पूजा। कहानी भी कह रही है गणगौर की, क्योंकि मुझे करनी नहीं थी, मैंने आप सबको बताई था, तो इस वजह से मैं दूर बैठी हूँ और मम्मी अपना पूजा कर रही हैं, कहानी कह रही हैं, ये सारा चीज़ें हैं। तो मैंने कहा चलो छोटा सा क्लिप बना लेती हूँ, क्योंकि मैंने आपसे कहा था ना कि होगा तो बनाऊंगी, वरना नहीं, कुछ नहीं कह सकती मैं। तो मैंने कहा राघव छोटा सा क्लिप तू बना ले। मैंने राघव को बाद में बुलाया था, मेरा मन हुआ कि चलो कुछ ना कुछ तो शेयर कर ही देते हैं। तो यहाँ पर मैंने राघव से बोला, इसलिए थोड़ा सा उसने सूट कर लिया है। तो और यहाँ पर देखिए जो ये जो है ना गुना जो बनते हैं, वैसे तो वो उसके बनते हैं मैदा वगैरह के मीठे वाले, लेकिन यहाँ मैंने मम्मी कहा, मम्मी के बस की बात नहीं थी, तो मैंने मम्मी से कहा, मैंने कैसा करिए आप खोया के बना लो। तो ये सारा श्रृंगार का सामान है वो मैंने निकाल दिया था, और मम्मी ने फिर खोया के बोरा वोरा मिला के वो बना लिए थे, तो मम्मी ने बस वही कर दिया था। और यहाँ पे कहानी हो रही है, और इतना ही किया था, मैंने कहा चलो कुछ तो हो ही जाए। उसके बाद फिर आरती हो रही थी। यहाँ उसके बाद मैं बना रही हूँ खाना। तो आज हमने सिर्फ कचौड़ी और सब्जी बनाई थी, क्योंकि देखिए भोग तो लगना नहीं था मेरे हाथ के बने खाने का। तो बस मैंने कहा कचौड़ी मैं यहाँ भर रही थी, तो मुझे याद आ गया कि मुझे एक बार कमेंट आया था कि आपने भर के नहीं दिखाया कचौड़ी को कैसे, क्योंकि उनकी फट जाती है कचौड़ी भरते में। तो मैं आपको यही दिखा रही थी, मैंने कहा चलो दिखा देती हूँ। तो आटा तो मैंने आपको दिखाया कि कितना आपको ढीला रखना है, कचौड़ी का आटा सॉफ्ट होना चाहिए, मतलब ऐसे खिंच रहा था इतना होना चाहिए। उसके बाद अब उसको हाथों से चौड़ा लीजिए, और हाथों से चौड़ाते समय आप याद रखिए बीच वाला जो हिस्सा होना चाहिए ना, वो ज़्यादा पतला ना हो, थोड़ा मोटा ही रहे, और साइड साइड में और हाथों से उसको चौड़ाती जाइए। इसे मैं दोबारा बताऊंगी आपको, इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये तो आप देखिए ऐसे करें, तो जो बीच वाला हिस्सा है ना वो थोड़ा मोटा रखें, और इसको भर दें अच्छे से, और फिर अच्छे से इसको फिल करें, ऐसे कवर करें ना इस तरीके से, कि ऐसे आपकी कचौड़ी जो है खुलेगी नहीं बिल्कुल। तो मैं आपको खुद बना के दिखाऊंगी, मेरी कचौड़ी नहीं फटती है, वह ज़्यादातर मैंने देखा है फट जाती हैं। तो अगर आप पहले, सबसे पहला तो यही होता है, वो मैं कई बार आपको दिखा चुकी हूँ कि आटा ही सॉफ्ट रखें। और दूसरी बात, जब आप बेलें तो जो हमने उसको फिल किया है ना, तो जो जब जहाँ हम कचौड़ी को ऊपर बंद करते हैं भरते में, वो वाला हिस्सा आप ऊपर रखें। ये देखिए जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये वाला हिस्सा ऊपर रखें और हल्के हाथों से कचौड़ी को बेलें। फिर भी आपकी कचौड़ी फट जाती है तो मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, आप हाथों से बढ़ाएं कचौड़ी को। और यहाँ देखिए मैं कचौड़ी तेल में बना रही हूँ, खुद देख सकते हैं कचौड़ी एकदम फूली फूली और एकदम क्रिस्पी, जैसे मार्केट जैसी कचौड़ी बन के तैयार हुई है। तो यहाँ यही ट्रिक है। और आटा मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, थोड़ा सा मोयन उसमें डालना होता है, सॉफ्ट आटा लगाना होता है। तो यहाँ देखिए मेरी और कचौड़ियाँ बन गई हैं। तो इसी तरीके से आप, मुझे याद आ गया तो मैंने कहा चलो ये दिखा देती हूँ कचौड़ी भरना। तो कुछ नहीं है, बस ऐसे ही है, आप आटे को सॉफ्ट रखें। दूसरा मैंने आपको भरने वाला बताया, यहाँ आलू टमाटर की सब्जी बनाई थी मैंने, और सिंपल कचौड़ी यही बनाया था आज खाने में, और ज़्यादा पूरी की इच्छा किसी की थी नहीं। तो यहाँ पर लग चुकी है प्लेट, तो आ जाइए, गर्मा गर्म कचौड़ियाँ आप देख सकते हैं, एकदम फूली फूली कचौड़ी बन के तैयार हुई हैं। और इसके बाद मेरी जो तबीयत ख़राब हुई कि मैं आपको क्या बताऊँ, इतना मुझे तो बस, मेरा इसीलिए वीडियो नहीं आ पाया, आगे आपको पता चल जाएगा। हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आज आपको आश्चर्य हो रहा होगा ब्लॉग की शुरुआत देख के। आज ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रहा हूँ। मैडम की तबीयत ठीक नहीं है, अभी अभी घर आया। राघा पंडित जी घूम रहे हैं परेशान बेचारे, तब मैं दवा लेने जा रहा हूँ मैडम के लिए। पहले चाय पिलाता हूँ, फिर दवा लेके आता हूँ।
मैं बना रहा हूँ आपके लिए चाय, हाँ ठीक है, ठीक है? ओके फिर उसके बाद तेरी मम्मा को दवाई लेने जाऊंगा मैं। कुछ ओके। खाना तेरे को भी नहीं, अंदर मेरे को कुछ नहीं खाना, पता? नहीं, ये खाना मत कहिए, मम्मा बीमार है, पापा ने कुछ पूछा भी नहीं खाने के लिए, ठीक ये ऐसी है बात ना? ही है। चलो ठीक है, आपको लाना भी होता है कुरकुरा ला सकते हैं। ओके ओके। ओके पापा, पापा का चाय बनाने का स्टाइल दिख रहा है। तो यहाँ देखिए, मैंने ऐसे आपको पता चल गया होगा, और ये चाय बना रहे हैं मेरे लिए, तो इनका इच्छा हो रही है। मैंने कहा हाँ थोड़ा सा मैं चाय पी लूँगी, तो मैंने चाय शाम की तो मैंने बना दी थी। मतलब मैं ना, मेरा क्या है ना, मैं उठ उठ के काम करती रहती हूँ, मुझे फीवर भी होता है, तो भी मैं जब मुझे लगता है कि नहीं मुझे ये काम करना है, तो मैं उठ जाती हूँ करके, शाम को चाय बना दी थी। फिर मुझे बहुत तेज़ बुखार आ गया था दोबारा से, तो यहाँ पे राघव को देख सकते हैं, राघव बहुत परेशान हो जाता है इतना, जब ही से लग रहा है जब से मुझे फीवर हुआ है तब से रुमाल लेके और पानी ले लिया है मग्गे में, और पट्टी रख रहा है मेरे सर पे, और पूरे जैसे मैं इसके करती हूँ ना, जैसे मैं कभी जिसको ज़्यादा तेज़ बुखार होता है ना, तो मैं इसके हाथों पे भी करती हूँ, पैरों पे भी करती हूँ गीले कपड़े से, जिससे जल्दी बुखार उतर जाए, तो वही ये मेरे साथ कर रहा था। बहुत देर से लग रहा है मेरे साथ ये, और बहुत परेशान हो जाता है। तो यहाँ ये चाय बना के ले आए थे, तो देखिए राघव तो बरकरार लगा ही है। इसको ना क्या है, ये मैंने आपको बताया भी था लाइव में कि ये इसका क्या है कि जो मुझे ज़रा भी परेशानी होती है ना, ये बहुत परेशान हो जाता है कि मम्मा बहुत परेशानी होती है, आप जब मुझे आता है ना तो आप कैसे करती हो, तो देखो कैसे कर रहा है ये, और इसको मेरे बिना रहा भी नहीं जाता, असली बात ये भी है, चैन नहीं पड़ता है इसको बिल्कुल। तो यहाँ ये चाय लेके आए थे, और इसके बाद फिर ये दवाई लेके आएंगे, तो फिर थोड़ा सा मुझे रात में आराम मिला गुड था। मॉर्निंग राधे राधे, जय माता की। तो मैं अभी जो है नहा के आई हूँ, सर धोया है आज, तबीयत अभी मतलब रात को उतर गया था मेरा फीवर, अभी थोड़ा सा मुझे आराम है। रात को मैंने मतलब क्या किया ना, दवाई लेके भी थोड़ा आराम हो गया, तब तक मम्मी ने दाल चढ़ा दी थी, फिर मैंने रोटी वगैरह बना ली, उतर गया फिर बुखार। फिर रात को मैं आराम से, फिर मैंने कोई वीडियो वगैरह शूट, मैंने तो वैसे भी नहीं किया था, बच्चों ने कर लिया था, और अभी उठी हूँ। और आज गेहूँ वगैरह कराई मम्मी के साथ, अभी बना रही हूँ खाना। तो यहाँ पे मैंने अरहर की दाल, आटा थोड़ा रह गया था, तो मैंने आज दाल चावल ज़्यादा बनाने हैं, और आटा थोड़ा है तो रोटी थोड़ी बनाऊँगी, तो ज़्यादा से दाल चावल बना ले रही। दाल चढ़ा दी है, चावल गला दिए हैं, और तबीयत में थोड़ा सा आराम है, बट अभी मम्मी पूजा करी, मैंने कहा पूजा करके ना फिर मैं कुछ खा के दवाई लूँगी अपनी, क्योंकि मुझे भी लग रही है थोड़ी सी अपनी शरीर में जैसे टूटन सी होती है ना, कि फिर से आने वाला है बुखार। तो कल कोई ब्लॉग इसीलिए नहीं गया था, जबकि मैंने सोचा था कि आप लोगों ने रेसिपी के लिए बहुत बोला था व्रत वाली, तो मेरा मन था, मैंने कहा मैं कल कोई रेसिपी बनाऊंगी व्रत की अच्छी सी, तो लेकिन कल हिम्मत ही नहीं हुई। परसों रात से फीवर इतना, परसों बेदिया गई थी मेरी, उसके बाद से ही पता नहीं क्या हुआ ऐसा कि इतना फीवर, इतना तेज़ बुखार, कि कल पूरा दिन मतलब काम तो किया लेकिन वही दवाई लेके फिर लेट गई, फिर तब बुखार, फिर ऐसे ही हुआ पूरा दिन कल। और आज ही ये वीडियो मैं हो सका तो आज अपलोड कर दूंगी। तो बस चलिए, यहाँ पे तेल गरम हो गया है, मैं बना रही हूँ पास्ता। ये राघव कृष्णा को पास्ता खाना है, नाश्ता बोले मम्मा ये बना दो, कल तो कृष्णा ने खुद ही बना दिया था तो अच्छा नहीं बना, तो राघव कह रहा मम्मा इसलिए स्वाद बिगाड़ दिया भैया ने, तो आप बना दो दोबारा। मैंने कहा ठीक है। तो बस चलिए अभी कर लेती हूँ मैं थोड़ा सा काम, चावल निकला दिए हैं मैंने, और पास्ता बना लेती हूँ, सिंपल सा ही बनाऊंगी, क्योंकि अभी ना प्याज लहसुन तो चलता ही नहीं है नौदुर्गों में बिल्कुल भी नहीं, मैं घर में रखती भी नहीं हूँ। तो चलिए अभी जो होगा, सभी ठीक रही तो सोच रही हूँ करूँगी कोई ना कोई रेसिपी आपके साथ में शेयर, दर्द हो रहा है मेरे। तो यहाँ ना मैंने तेल किया है थोड़ा सा कढ़ाई में, और ये पास्ता कृष्णा ने उबाल दिए थे, कृष्णा मेरा अभी हेल्प करने लगा है, तो उबाल उसी ने दिए थे, बस उसने मेरे को देखा एक दो बार उबालते हुए, तो मैंने यहाँ पे वो डाली है तेल और राई डाल करके, और पास्ता डाल दिया है उबला हुआ, उसके बाद मैंने एक मैगी मसाला का पाउच लिया है वो डाल दिया है, बहुत सिंपल तरीके से बना रही हूँ। और यहाँ पे थोड़ा सा डाला है इसमें सॉस, टमाटो सॉस जो होता है वो, और थोड़ा सा मैंने सोया सॉस डाला है जिससे कि इसका कलर अच्छा आ जाए। तो बस सारी चीज़ों को डाल करके मैंने मिक्स किया है, बाकी इसमें और कुछ नहीं डाला, नमक डालने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि सोया सॉस में भी नमक होता है, और जो मैगी का मसाला होता है ना उसमें भी नमक, तो यहाँ पर मैंने दोनों को पास्ता बना के दे दिया है, और साथ ही साथ मैं खाना भी बनाती जा रही हूँ।
सिंपल सा पास्ता है लेकिन बहुत टेस्टी बता रहे थे बच्चे। तो यहाँ देखिए दोनों के लिए प्लेट भी मैंने लगा दी है और देखने में भी अच्छा लग रहा है ना, सिंपल बिल्कुल। तो बस मैं दे देती हूँ बच्चों को। ले जमीन पे क्यों लेटा है, जी दे उठो उठो उठो, जमीन पे नहीं लेटो, चलो अभी नहाया भी नहीं, कहाँ खाएगा। तो यहाँ पे मैंने दे दिया है बच्चों को नाश्ता और अब मैं बना रही हूँ चावल। चावल मतलब कुकर में डाल के चढ़ा रही हूँ। उसके बाद दाल तो सीटी आई गई है दाल में, चावल चढ़ा के आटा थोड़ा सा लगा लूँगी। जैसे मैंने आपको बताया था आटा जो है ख़त्म हो गया है, उतना ही है, मैंने कहा चलो उतना ही बना लेते हैं, शाम तक आटा पिस जाएगा। तो बस यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ रोटी और थोड़ी थोड़ी मुझे ना बुखार की खुमारी चढ़ने लगी है, तो मैंने कहा जल्दी से रोटी बना के खिला के दवाई दे के ना फिर लेटूँ सीधा, क्योंकि फिर क्या रहता है ना कि दवाई लेने के बाद ना बुखार उतरता है ना तो फिर पसीना आता है, गर्मी लगती है, क्योंकि हल्का ठंड से बुखार मुझे आ रहा है, हल्की सी मुझे ठंड लग रही है उसके बाद फीवर आ रहा है, तो ये चक्कर है। तो मैंने कहा चलो इसी वजह से, देखिए आप समझ सकते हो मैं वीडियो नहीं डाल पाई थी, बल्कि आपको ये भी पता है कि मेरा मन ऐसा है कि जब आप लोग कुछ कहते हो और मैं ना कर पाऊँ ना, मुझे बहुत बेचैनी सी होती रहती है कि आए मुझे ये बोला रेसिपी के लिए और मैं नहीं शेयर कर पा रही हूँ, इस बात को प्लीज़ आप समझिएगा। और पता नहीं क्या हो गया है, मेरी समझ में नहीं आ रहा, मेरा तो चैनल का ही समझ नहीं आ रहा, वीडियो ही नहीं मतलब कंटिन्यू हो ही नहीं पा रही हूँ मैं, जबकि बहुत कोशिश कर रही हूँ, पर अभी कोशिश करूँगी मैं ठीक हो जाऊँ जल्दी से। तो बस यहाँ पे मैंने थाली लगा दी है दाल चावल रोटी, और थाली लगी है दाल चावल रोटी। आज मेरा रंग बहुत काला लग रहा है ना, है ना रंग काला लग रहा है ना, कल तो बहुत काला तेज बुखार था, बहुत तेज, कहते ना एकदम खून जैसा जल जाता है, उस टाइप से हो और गया। मेरे को भी आ रहा है बुखार तो। इसको भी हो रहा है फीवर, मौसम चेंज का है। तो चलिए बस दे देती हूँ मैं खाना, भाई बाबू खाना की कह दो, सबसे खाना खा दो, बाबा चाचा बाबा खाना खा दो, चाचा खाना खा लो, चलिए बस खाना खिला देती हूँ सबको। और फिर उसके बाद सोच रही हूँ अगर होगा तो मैं अभी रेसिपी शेयर कर दूंगी, नहीं तो फिर आगे देखूंगी। और यह देखिए रोटी बनाने के बाद, खाना बनाने के बाद मैंने धोने लगी हूँ कपड़े, वॉशिंग मशीन में डाल दिए थे आज मैंने कपड़े, क्योंकि 2 दिन के हो गए थे, कल के भी, क्योंकि कल परसों रात से मुझे बुखार आया था, तो कल भी मेरे कपड़े कुछ नहीं धुले थे और आज के भी, तो मैंने वॉशिंग, इन्होंने पानी कर दिया था वॉशिंग मशीन में, मैंने वो चला दी थी, मैंने कहा आज सारे कपड़े एक साथ इकट्ठे होने दो, फिर इसीलिए फिर मैंने धोने लगी, नहीं तो फिर और ज़्यादा इकट्ठे हो जाते। मैंने कहा मुझे क्या है ना, जब भी चाहे मेरी तबीयत खराब हो, ये लगता है पहले, सच बता रही, मेरी तबीयत खराब भी होती है ना तो भी मुझे लगता है पहले ये काम निपटा लूँ तब जाके मैं लेटूंगी आराम से, ये रहता है। तो बस यहाँ पर मैंने पहले कपड़े धो के और फिर ये जो कपड़ों को सुखा के, तब फिर मैं आराम से, मैंने दवाई ली है तब फिर मैं जाके लेटूंगी। तो ये देखिए राघव क्या कर, राघव भी वीडियो बना रहा था, शूट कर रहा था और उसको पानी दे के। तुम्हारे घर पे वॉशिंग मशीन है मम्मी, तू गाना चाह देगी रायनड, तो मैं भी बैठा मजे दी मरहड़ी, कराया बस। बस तो मैंने जो मोटे मोटे कपड़े थे ना वो सारे डाल दिए हैं वॉशिंग मशीन में ड्रायर होने के लिए, और साड़ियों को मैंने नहीं डाला है क्योंकि इसमें कुछ साड़ी मेरी नई भी थी, तो वो मैं ड्रायर नहीं करूँगी, अभी गर्मियाँ हैं बहुत जल्दी सूख जाती हैं, तो मैंने कहा वो जब तक ड्रायर होंगे ना सूखेंगे तब तक साड़ियाँ सूख जाएंगी, तो साड़ियों को मैंने ऐसे ही डाल दिया है बिना ड्रायर किए, फटाफट सूख जाएंगी, क्योंकि देखिए 2 साड़ी मेरी इसमें नई थी, जैसे मैं इसमें पिनी लगी रह गई, क्योंकि थोड़ी देर के लिए मैंने पहनी थी, मैं कहीं घर गई थी तब मैंने पहनी थी, तो मैंने ऐसे ही रख दिया था, ला के वॉशिंग मशीन में ही डाल दिया था उतार के, क्योंकि जब बाहर से आते तो फिर लगता साड़ी पहले कपड़े वपड़े उतार के मैं बाहर ही रख देती हूँ उन कपड़ों को, फिर दूसरा चेंज करके तब मैं घर में घुसती हूँ, तो वही चक्कर हो गया था। तो बस कपड़े सुखा दिए हैं और अब बज रहे हैं 2, पंखा है पंख बाद में चलाऊंगी, 2 बज रहे हैं और यहाँ लेनी है मुझे अपनी दवाई, दवाई लेने के बाद फिर थोड़ी देर करूंगी रेस्ट, क्योंकि इसको लेने के बाद ना नशा जैसा आधा सी नींद आ रही हो ऐसा लगता है, चक्कर चक्कर से भी आ रहा है,
इसी मेरे चश्मा लग गया। क्या हो गया? ये क्या है इसमें? लग गई मेरे, मेरे भी लग जाती है। चल रहने रहने रहने, मेरे चश्मा लग गया। ये ड्रामे ही करता है बस। अच्छे से रखो, उठा बंद करके। ओ बेटा अंदर पंखा चला दे, गर्मी लग रही है। कपड़े मैंने अभी ना वॉशिंग मशीन में सुखाने रख दिए हैं, अभी जल्दी सूख जाएंगे, तो मैं सोच रही अभी दवाई ले लूँ जब तक साड़ी सूखेंगी। साड़ी को नहीं किया था ड्रायर, और यहाँ दवाई लेके रेस्ट करूँगी, फिर वीडियो एडिट करूँगी। 2 बज रहे हैं, 1 घंटा लेटूँगी, 3 बजे से वीडियो एडिट करूँगी, फिर जाके मैं कहीं वीडियो अपलोड कर दूँगी। और आज रेसिपी नहीं आ पाएगी, कोई रेसिपी कल आएगी, ठीक है ना। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को मैं एंड करती हूँ। क्या हाल हो रखा है मेरा, इतना बुरा हाल एक दिन में ही, कि एक दिन में नहीं, खैर परेशानी तो कई दिन से थी, लेकिन कल जो बुखार आया ना, इतना देखिए मेरे चेहरे का रंग, मेरे हाथों का रंग देखो कितना अंतर लग रहा है। ये देखो लग रहा है ना अंतर, मतलब चेहरे पे से एकदम ऐसे रौनक सी चली गई है, क्या काला काला सा रंग हो गया। हाथों को देखो, हाथ कितने साफ लग रहे हैं। गाइस में चश्मे अच्छे लगते हैं, बिना चश्मे के कमेंट में जरूर बताना। तो इसी के साथ वीडियो का एंड करूंगी, तो बाय, और कोशिश करूंगी कि बस मैं ठीक हो जाऊं, क्योंकि तबीयत ठीक, कल मैं सच में बहुत सोच रही थी कि मैं एक रेसिपी डाल दूं, लेकिन हिम्मत बिल्कुल नहीं हुई थी कल मेरे में। तो अब मैं सोच रही हूँ भगवान अब जल्दी से सही कर दे, क्योंकि मेरे चैनल भी बेकार होता जा रहा है, और आप लोग भी देखिए अच्छा नहीं लगता कह रहे थे। देखना बेटा उनका फ़ोन आया, डिस वाले भैया का फ़ोन आया। तो चलिए वीडियो को मैं एंड करती हूँ, मिलूंगी आपसे नई सी वीडियो नई सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, राधे राधे। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके वो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।